हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आरसी मसाला किचन में स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दो रेसिपी, आलू चने की स्वादिष्ट सब्जी तथा बिहार और झारखंड की प्रसिद्ध रेसिपी धुसका। ये बहुत ही फुली फुली सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। तो आइए बनाते हैं। सब्जी के लिए हमने चना लिया है और देखिए इस कप से हमने मेजर किया है 2 कप चावल। आप किसी भी प्रकार का चावल ले सकते हैं, मोटा पतला। आधा कप हमने लिया है उड़द दाल, आधा कप लिया है हमने चना दाल। सभी को अच्छे से धुलकर हमने रात भर के लिए भिगो के रख दिया है। देखिए अच्छे से भीग चुका है। अब इसको जो है हम ग्राइंड करेंगे। देखिए हमने चावल, उड़द दाल और चने का दाल को ग्राइंड करके बहुत ही महीन पेस्ट बना लिया है इसका। अब तीनों को हम एक में मिक्स कर देंगे। देखिए हमने तीनों को एक में मिक्स कर लिया है। अब इसको अच्छे से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा तीनों पेस्ट एक में मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, 2 पिंच इसमें हम हींग ऐड करेंगे, आधा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, 1-2 हरी मिर्च और अदरक, 5-6 कली लहसुन की, इसको हमने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे हम। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब इधर हम सब्जी बनाएंगे। कढ़ाई पे हमने रख दिया है, तेल गर्म हो रहा है हमारा। अब देखिए हमने कुछ खड़े मसाला लिए हैं। ये हम लिया है काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जीरा, लाल मिर्च और तेज़पत्ता। हम इसको डालकर तड़का देंगे। हमने देखिए पेस्ट बनाया है, 1 टमाटर, 1 प्याज, 5-6 लहसुन कलियों की और 2 हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। अब 2 चम्मच हम इसमें चना छोला मसाला ऐड करेंगे और सभी को अच्छे से भूनेंगे। देखिए मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें हम जो है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है, इसमें से तेल रिलीज हो रहा है। अब 4 हमने बड़े आलू लेकर के उबाल करके इसको छील करके टुकड़े कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे और आलू को अच्छे से मसाले में मिक्स करते हुए इसको हम भूनेंगे। देखिए हमारा आलू भून चुका है। अब जो चना हमने रात भर भिगोया था इसको कुकर में हमने 3 सीटी देकर उबाल लिया है। देखिए अच्छे से हमारा उबल चुका है। अब चने को इसमें मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। देखिए मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम ढक देंगे। ढक करके धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है। देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी पक के गई है, कितनी स्वादिष्ट और अच्छी लग रही है सब्जी। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सब्जी को हम गैस पर से उतार लेंगे। ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब आइए हम धुसका बनाते हैं। इसके लिए हमने गैस पर पैन रख दिया है, उसमें हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब देखिए हम ट्राई देखेंगे कि हमारा जो है तेल गर्म हुआ है कि नहीं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब उसमें हम धुसका को डालेंगे। ये हमें बेटर जो है न पतला बनाना है न गाढ़ा घोल का बनाना है, हमें बेटर जो है चीला की तरह बनाना है। अब देखिए जब हमारा एक धुसका ऊपर तैरने लगे तभी हमें दूसरा धुसका दाल डालना है, जिससे हमारे तेल का टेम्परेचर जो है बना रहे। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से फूले हैं। इसको हम पलट देंगे दूसरी तरफ, इनको गोल्डन होने तक हम तलेंगे। देखिए ये हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह सारे धुसकों को हम तल लेंगे। तो आइए इसे हम सर्व करते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारे चने की सब्ज़ी और ये देखिए हमारा धुसका बनकर के तैयार है। तो देखिए कितनी फूली फूली फ्लफी और कितनी जो है स्वादिष्ट और टेस्टी हमारी धुसका बनकर के तैयार है। तो दोस्तों हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स में हमें बताइए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह लेटेस्ट रेसिपी के साथ।